हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सीमा और मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको मेरी जो किचन गार्डन है नीचे का वो दिखाऊंगी। वो छोटा सा गार्डन है लेकिन इस पर प्लांट की कोई कमी नहीं है। ढेर सारे प्लांट, बहुत सारे प्लांट हो गई है और ये थोड़ा सा क्लमजी हो गया है। देखिए, ये है मेरा जो लौकी होते हैं, जो गोड होते हैं, ये इसका प्लांट इसको लगाया है। देखिए, अब अपने आप ही बेल की तरह हो गई है। अब ये जो छत पर इसको मैंने ये जो रस्सी है, देखिए रस्सी से इसको बांध दिया है, ये ऊपर जा रही है। और ये है मेरा मिर्ची का प्लांट, ये काला जो काला मिर्च होती है, जाम मिर्च बहुत सारी होती है। देखिए पत्तियाँ कितनी हेल्दी है और बारिश की वजह से ये पत्तियाँ कुछ ज़्यादा ही हेल्दी लग रही है। देखिए ये मिर्ची जो है वो गुच्छे में होती है, कितनी सुंदर है और बहुत ही तीखा है और खाने में भी बहुत ही स्वादिष्ट है। यह बहुत सारी प्लांट है, मैं दिखा रही हूँ आप सबको। वहाँ है मेरा जो नींबू है, वहाँ जो वो जो प्लांट है वो है नींबू का। मैं वहाँ नहीं जा सकती क्योंकि यहाँ एकदम से प्लांट से भर गई है। देखिए वो है हल्दी, वो जो है वो है हल्दी का प्लांट। वहाँ मैंने कुछ हल्दी को ऐसे ही लगा लिया था तो देखिए हल्दी हो गई है। पिछली बार यहाँ से मैंने लगभग 3-4 kg हल्दी को उठाया था, फिर से वहाँ लगा दिया है। देखिए ये इस जगह पर है हल्दी। और पपीता भी है, वो प्लांट थोड़ा सा छोटा है। पर मैंने यहाँ चंदन का प्लांट है, देखिए केले का जो प्लांट है वो भी मैंने लगाया है, बड़ा हो गया है। इससे बहुत सारी और दूसरी प्लांट भी हो रही है। और कड़ी पत्ता, देखिए हमारे यहाँ कड़ी पत्ता अवेलेबल है, ये अपने आप ही बीज से हो जाती है। बहुत सारी कड़ी पत्तियों की प्लांट अपने आप ही उठती है, तो इसको मैंने ऊपर छत पर नहीं लगाया, नीचे ही इसको रहने दिया। ये भी मिर्ची है, देखिए कितनी सारी मिर्ची, मिर्ची की वैरायटी मेरे पास बहुत सारी है। ये एक और टाइप की मिर्ची है। अभी तो शाम हो गई है तो थोड़ा सा अंधेरा आ गया है। देखिए ये जो है ये काला मिर्ची है, यहाँ मैंने अदरक भी लगा रखी है। देखिए कुछ बाहरी प्लांट भी यहाँ है, ये अपने आप ही उठे थे। देखिए कितनी सुंदर है। देखिए ये है बैंगन का प्लांट, ये बहुत ही बड़ा हो गया है। देखिए इस पर बैंगन भी है, ये 12 महीने वाला बैंगन है। देखिए इस पर बैंगन लग रहे हैं, अंदर है। अभी एक बार हो चुका है, फिर से हो जो फूल आने का वक्त आया है। अब इस पर नीम की पत्तियाँ, नीम की जो ऑयल है वो ऑयल इस पर डालूँगी, उस पर छिड़कूँगी। देखिए ये बैंगन है, इस पर देखिए ये फूल आ रही है। देखिए देखिए बैंगन जो है इस पर आ रही है। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ बैंगन, अभी तो अंधेरा हो गया है। देखिए कैसे बैंगन आ रही है। बहुत सारी बैंगन, अभी तो थोड़ा सा अंधेरा हो रहा है क्योंकि अभी शाम हो गई है। देखिए ये भी बैंगन, देखिए कितनी सारी बैंगन हो रही है। और यहाँ ये जो पम्पकिन है, इसकी बेल है पम्पकिन, देखिए पम्पकिन है। इन सभी प्लांट पर मैं हमेशा ये कहती हूँ कि इन सभी प्लांट पर मैं जो है, जो मेरा घर पर रेडी किए हुए जो फर्टिलाइज़र होती है, किचन वेस्ट जो फर्टिलाइज़र बनाती हूँ वही डालती हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें ही अच्छी होती है हमारे लिए, हमारे नेचर के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि हर वक्त मैं ऐसे ही नेचुरल चीज़ें ही इस पर देती रहूँ, नीम ऑयल का छिड़काव करते रहूँ। और अब थोड़ी सी ज़्यादा ही अंधेरा हो रही है तो यही मैं अपनी वीडियो ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि अंधेरे में वीडियो नहीं अच्छा होगा।
और आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई, मेरे प्लांट्स आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो लाइक करना और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और भी अच्छे अच्छे प्लांट, क्योंकि अभी जो अक्टूबर नवंबर में जो सर्दियों की प्लांट लगाने का जब समय आएगा उसकी वीडियो में मैं करूँगी, सर्दियों के मौसम की वीडियो जो सब्जियां लगती है सर्दियों में। और आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई, और मेरी वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।